हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिजिक्स लाइफ क्विज फाइव तो ये क्विज का सिलेबस था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और डीसी सर्किट्स तो क्वेश्चंस ठीक ही थे कुछ क्वेश्चंस बस uh, थोड़े अच्छे थे बट मेजोरिटी मतलब अगर 20 क्वेश्चन था इसमें तो 20 में आई थिंक 15 क्वेश्चंस तो सही हो जाने चाहिए थे अगर तुमने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा तो चलो इसको डिस्कस करते हैं कुछ शुरू वाले क्वेश्चंस तो काफी इजी हैं जैसे ये बोल रखा है कि एक वेरिएशन दिखा रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड आर द फंक्शन ऑफ आर तो बोल रखा है कि ये किसका फील्ड हो सकता है पहले ऑप्शन में चार्ज होलो होलो है सॉलिड मेटालिक मेटालिक्स बट दोनों ही केसेस में अगर मेटालिक फेयर होते हैं तो मेटल्स में तो अगर सॉलिड भी है मेटल फेयर अगर सॉलिड भी है तो उसमें जो सॉलिड अगर मैं यहां पर सॉलिड लिख रहा हूं सॉलिड मेटल्स फेयर तो इसमें भी जो चार्ज रहता है वो चार्ज तो सर्फेस पे ही रहता है ना कि अंदर से सॉलिड रहेगा और यूनिफॉर्मली या, पे जो भी हम चार्ज देंगे वो सिर्फ इसके सर्फेस पे प्रेजेंट होगा चार्ज इज प्रेजेंट ओनली ऑन द सर्फेस जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर वाले रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फिर ये इसका प्लॉट तो है नहीं तो एक किसका प्लॉट है तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेयर और एक है यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग हॉल स्फेयर तो ये सी ऑप्शन में नॉन कंडक्टिंग स्फेयर लिख रखा है और हॉलो नहीं लिखा है uh, सॉलिड तो स्पेयर तो लेना है, तो ले चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर में फिर फिर होता है और उसके लिए फिर हमेंटिंग स्पेयर है नॉन कंडक्टिंग स्पेयर और इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज है तो यूनिफॉर्मली चार्ज रो मान लेते हैं तो फिर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले पॉइंट हो जाता है रो आर बाई थ्री एफ साइलन नॉट फोर आर लेस देन इक्वल टू आर

बट चूंकि मेटालिक फेर है तो उसमें जो भी चार्ज देंगे वो वॉल्यूम के अंदर नहीं जा सकता है वॉल्यूम चार्ज बॉडीज हमेशा इंसुलेटर्स होती हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर वाले रीजन में भी था तो इस कारण से ये फिर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके बाद ये जो सेकंड क्वेश्चन है तो काफी इजी क्वेश्चन है डीसी सर्किट्स का तो ज्यादा लोगों ने सही कर दिया होगा इसमें एक करंट रेजिस्टेंस बताना है बिटवीन द बेस टर्मिनल्स टर्मिनल्स दिखा रखे हैं नीचे तो उसमें पहले तो ये दोनों जो है ये सीरीज में है तो इन दोनों का मिला के कितना हो जाएगा ये दो ओम हो जाएगा और फिर इस दो ओम के साथ एक ओम पैरल में है तो अगर मैं उसको भी इंक्लूड कर लूंगा तो दो मोरिकोम पैडल में कितना हो जाएगा टू इन टू वन अपॉन टू प्लस वन ये हो जाएगा ये हो जाएगा दो और एक जो में आ जाएगा जाएगा वो हो जाएगा, और प्लस उसके साथ वन और वन और दो सीरीज में है तो ये हमारे पास आर आरिक्वलेंट हो जाएगा आर आरक्वलेंट की वैल्यू ये होगी आर विल बी दिस तो इसमें बस अब कैलकुलेशन कर लेना है ये कितना बन रहा है एक टर्म है टू बाई थ्री और प्लस टू है

प्लेट से भी परपेंडिकुलरली फील्ड लाइन निकलनी चाहिए और मेटल पे भी परपेंडिकुलर एंटर करनी चाहिए तो फिर सही सी में दिखा रखा है सही कि यहाँ पे यहाँ से परपेंडिकुलरली निकल रहा है यहाँ पे भी परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है ए ऑप्शन क्यों गलत है क्योंकि ऑप्शन यह में यहाँ पे किसी एंगल पे, तो पे एंटर कर रहा है ऑप्शन में जो मैं दिखा रहा हूँ ये एंगल पे एंटर कर रहा है इसमें तो क्या है इसमें भी एंगल पे भी एंटर कर रहा है और साथ में अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है यहाँ पे अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है जबकि अंदर में तो जीरो होना चाहिए मेडल के अंदर तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन में सही दिख रहा है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और बाहर से जो फील्ड फीडलाइन आ रहा है वो परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है

तो ये फोर हो जाएगा और पोलैरिटी ट्वेल्व जैसी होगी और फिर आर इक्वलेंट हो जाएगा हो से इसमें जो करेगा, वो कुछ ऐसा करंट फ्लो करेगा और करंट कितना हो जाएगा तो ये आई की वैल्यू हो जाएगी आई विल बी इक्वल टू टोटल ई एम एफ एक बैटरी जो बनेगा उसका ई एम एफ हो जाएगा बेसिकली हम क्या कर सकते हैं इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ऐसा कि हमने एक बैटरी से रिप्लेस कर दिया

ये E2 जो है वो कैसा वर्क कर रहा है तो इसमें करंट डायरेक्शन तो हमने देख, देख लिया करंट ऐसा फ्लो कर रहा है तो करंट के डायरेक्शन से देखिए पता चल रहा है कि E2 हम निकालेंगे तो ये e हमारे पास ट्वेल्व और माइनस आई हमारे पास वन बाई थ्री मिनट आई हमने वन बाई थ्री निकाल और इंटरनल डिस्टेंस इसका कितना है तो इसका टू ओम इंटरनल डिस्टेंस है ट्वेल्व माइनस टू बाई थ्री तो ये हो जाएगा हमारे पास थर्टी फोर बाई थ्री हो जाएगा इसमें काफी बच्चे गड़बड़ कर रहे थे कुछ बच्चे ने बोला डी हो नहीं होगा इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस टू ओम है वन ओम नहीं है तो माइनस आई आर में यहाँ पे आर मैंने टू डाला बिकॉज का सेल्फ इस क्वेश्चन में ये वोल्ट मीटर और एमीटर में रीडिंग्स बतानी है तो तो उसमें क्या देखेंगे पहले तो मैं रीडिंग्स का मतलब होगा कि एमीटर वो करंट रीड करेगा, करेगा जो उसके थ्रू फ्लो करेगा और वोल्ट मीटर वो पोटेंशियल डिफरेंस रीड करेगा जो उसके अक्रॉस होगा तो वो निकालने के लिए पहले मैं क्या करता हूं कि करंट निकालता हूं तो इस, इन दोनों को तो पैरल में कॉम्बिनेशन ही है तो इनका आर आलिकोल्ट कितना हो जाएगा जो वोल्ट मीटर और थ्री हंड्रेड ओम है तो हो जाएगा सिक्स हंड्रेड इंटू थ्री हंड्रेड अपॉन सिक्स हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड तो ये नाइन हंड्रेड हो जाएगा

कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्सिलेट होगा तो क्यू टू वी उसकी पोटेंशियल उसकी एनर्जी घटेगी और क्योंकि तो घटेगी और वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो, एनर्जी Q v हो जाएगी। तो अब इसमें दो है एक है, प्रोटोन और एक एल्फा पार्टिकल है और दोनों की स्पीड का तो स्पीड क्या होगा स्पीड स्पीड अगर बताना तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम लेट्स से यू बोलूमी

देखो क्या बनेगा Q ऑफ प्रोटोन अपॉन Q ऑफ एल्फा पार्टिकल ये बनेगा और मास में इनवर्स रेशियो है तो ये आ जाएगा मास ऑफ एल्फा पार्टिकल अपॉन मास ऑफ प्रोटोन ये आ जाएगा और इसमें वैल्यूज डालोगे अगर तो प्रोटोन का चार्ज कितना होता है प्रोटोन पे चार्ज होता है प्लस ई e, और एल्फा पार्टिकल बेसिकली हिलियम का न्यूक्लियस होता है तो हिलियम का न्यूक्लियस पे चार्ज हो जाएगा प्लस टू ई e. तो ये हो जाएगा रेशियो क्यू पे अपॉन क्यू एल्फा ये रेशियो हो जाएगा वन बाई टू प्रोटोन पे प्लस ई e चार्ज

तो ये 2 आ रहा है तो विल कैंटिक एनर्जी का रेशियो पूछ देता है या फिर जैसे कैंटिक एनर्जी का रेशियो सिर्फ चार्ज के रेशियो पर डिपेंड करता है बट स्पीड का रेशियो पूछा है तो उसमें फिर मास भी इंक्लूड हो गया हाँ इसमें ये क्वेश्चन अच्छा इस क्वेश्चन में मिस्टेक होने का चांस ये है कि ऐसा दिखने में थोड़ा ब्रिज जैसा लग रहा है लेकिन वो तब होता जब यहाँ पे एक रजिस्टर होता जो मैंने अभी बनाया है अगर यहाँ पे रजिस्टर होता तब ये ब्रिज होता बट इस बार तो यहाँ पे है नहीं ये बेसिकली एक जीरो जीरो वायर 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 है तो तो इसको हम हटा रहे हैं हैं तो फिर क्या कर सकते कि पोटेंशियल वाइज अगर देखेंगे तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो सेम ही पोटेंशियल पे है क्योंकि जीरो रेजिस्टेंस का वायर है तो मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला सकता हूं तो फिर ये कनेक्शन ऐसा बन जाएगा कि एक ये आ रहा है मान लो मैंने यहाँ पे बीच में कुछ सी दे दिया और ये डी दे दिया तो ये डी वाला पॉइंट जो है वो बेसिकली बी है क्योंकि है तो एक हमारे पास एक अगर मैंने ये वाला पॉइंट ए लिया है और यहाँ वाला पॉइंट सी ले लिया तो एक ये रजिस्टर है एक फिर आगे ये रजिस्टर है ये आर है ये भी आर है और फिर यहाँ पे हमारे पास एक आर है और ये ये आर को मैं थोड़ा रीड्रा कर लेता हूं कि जो वर्टिकल दिखा रखा था ना वो नीचे बी है वन मिनट तो उसको मैं रीड्रा करके ऐसा बना लेता हूं कि बी बी वाला पॉइंट ये है तो इसको ऐसा बना लियो ये रजिस्टर और एक हमारे पास आ, कितने सारे रजिस्टर्स आ गए ना और एक तीन है एक और एक और कहां पे है तो वो कनेक्टेड है ए और बी के बीच में तो ए और बी के बीच में एक ऐसा कनेक्शन है तो ये है ये कॉम्बिनेशन तो तो हमने एक साथ कॉम्बिनेशन हो गया रेस्ट का। तो इसमें अगर देखोगे तो क्या बनेगा तो ऊपर में ये सारे के सारे आर है तो अगर मैंने इस आर और इस आर का कॉम्बिनेशन देखा तो ये आर और आर पैरेलल में मिलके आर बाई टू हो जाएगा और ये आर बाई टू और आर मिलके हमारे पास ऊपर वाले ब्रांच में आर बाई टू और आर मिलके थ्री आर बाई टू हो जाएगा तो टोटल आर ए बी अगर निकालना है, तो by 2 ये वाले ब्रांच में हो गया। और नीचे वाले ब्रांच में आ रहा है तो थ्री आर बाई टू इन टू आर अपॉन थ्री आर बाई टू प्लस आर तो ये अगर देखोगे तो ऊपर में तो थ्री आर बाई टू इन टू आर आ रहा है नीचे में क्या बन जाएगा थ्री आर बाई टू प्लस आर विल बिकम फाइव आर बाई टू तो इसमें फिर आ गया

आउटर सेल पे चार्ज क्यू है एंड इनर सेल इज न्यूट्रल इस पे कोई चार्ज नहीं इस पे अगर देखें तो इनिशियल चार्ज जीरो है तो फिर हम स्विच क्लोज कर रहे हैं तो स्विच क्लोज करने के बाद फिर कितना होगा तो स्विच क्लोज करने का मतलब ये होगा कि अंदर वाले कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तो बाहर वाला तो चूंकि कहीं से कनेक्टेड नहीं तो इस पे तो है तो इसपे तो चार्ज क्यों ही रहेगा अंदर वाले चार्ज पे लेट से अंदर वाला जो कंडक्टर है उस पर तो हमें तो अगर मैंने अंदर वाले पे कोई एक पॉइंट ले लिया पॉइंट ए ले लिया तो पॉइंट ए पे हमें पोटेंशियल जीरो करना है अर्थिंग करने का मतलब जिस, जिस भी कंडक्टर को अर्थ करते हैं उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है अभी का पोटेंशियल लिखते समय हम उसके खुद के चार्ज के कारण तो लिखेंगे ही

तो इसमें फिर ये ध्यान दो क्वेश्चन के लैंग्वेज में कि क्या पूछा पूछा क्या है अमाउंट ऑफ चार्ज विच फ्लो फ्रॉम इनर शेल टू अर्थ इनर शेल से अर्थ पे कितना चार्ज गया है यानी कि हमें इस डायरेक्शन में फ्लो बताना है किस डायरेक्शन में कितना फ्लो कर रखा है तो इनिशियली इनर शेल पे जीरो था और फाइनली माइनस ऑफ क्यू बाई थ्री है समझ में आ रहा है इनिशियली जीरो था और फाइनली माइनस क्यू बाई थ्री है तो उसके लिए क्या होगा

तो यहां से क्या जाएगा जीरो कैंसिल हो गया सिक्स कैंसिल हो गया तो यहां से एक्स की वैल्यू तो आ गई फोर बट इसमें उसके लिए फिर दे रखा है कि मीटर ब्रिज वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है कि पर सेंटीमीटर कितना रेजिस्टेंस है तो अभी जो हमने निकाला है एक्स अननोन रेजिस्टेंस उसको निकालने के लिए हमें इस इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी लेकिन करंट निकालने के लिए अब हमें जरूरत है तो इसमें क्या है कि करंट चूंकि ये रेजिस्टेंस रखा है जीरो पॉइंट वन ओम पर सेंटीमीटर तो कारण से ये जो फोर्टी मीटर लेंथ के रेजिस्टेंस है वो अगर देखोगे तो वो कितना हो जाएगा जीरो तो आ जाएगा फोर ओम और ये सिक्सटी सेंटीमीटर वाला देखोगे अगर तो जीरो पॉइंट वन इंटू सिक्स करोगे तो ये आ जाएगा सिक्स ओम और चूंकि गैल्वेनोमीटर तो करंट जा ही नहीं रहा है यानी कि ऊपर वाला एक्स और सिक्स वो सीरीज में है और नीचे वाला ये फोर और थ्री भी सीरीज में है तो टोटल ऊपर वाले ब्रांच का अगर देखें मैं ब्रांच वाइज अगर देख से ऊपर वाले ब्रांच का तो ये x और 6 ये सीरीज में है, तो सीरीज में में है है तो तो मिला के एक सामने निकालो तो 10 ओम आ गया और नीचे वाला ये 6 ओम और ये चार ओम मिलके ये भी सीरीज में है तो ये भी हो जाएगा 10 ओम और 10 ओम और 10 ओम पैरेलल में है तो टोटल इस सर्किट का आर इक्वेलेंट हो जाएगा फाइव ओम और फाइव ओम आर इक्वलेंट है और बैटरी भी फाइव वोल्ट का है तो जो करंट बैटरी से निकलेगा करंट ये बताना है करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी तो दैट करंट विल बी

और उसके साथ ये वाला आर और सीरीज में आ जाएगा तो टोटल आर इलेट सर्किट का हो जाएगा फोर आर बाई थ्री। सीरीज में आ जाएगा जाएगा हो अच्छा तो टोटल कंबाइंड इलेक्ट्रिक पावर निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक पावर बाय द तो टोटल पावर तो निकालने के लिए हम आरिक्वलन का यूज कर सकते हैं हमने देख लिया था कि अगर किसी रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है तो हम आरक्ट को यूज कर सकते हैं टू फाइंड द टोटल पावर कंज्यूम तो अगर आर ये आ गया है और बैटरी वन सिक्स का बैटरी का है तो पावर कंज्यूम जो टोटल पावर कंज्यूम अगर निकालना है तो विल बी बैटरी का वोल्टेज 160 है तो ये स्क्वायर पास है फोर हंड्रेड हमने और इंटू थ्री ये ऊपर चला जाएगा तो ये कैंसिल हो रहा है ये कैंसिल हो गया फोर फोर सिक्सटीन तो एक कैंसिल हो जाएगा ये फोर फोर सिक्सटीन तो सिक्सटी इंटू थ्री आ जाएगा दिस विल बी फोर्टी एट वॉट

क्वेश्चन नंबर 11 ये देख से तो ये भी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है डाइपोल का हमें लोकेशन दे रखा है डोट डाइपोल है एक डाइपोल पी जे कैप है ऑरिजिन पे और एक है माइनस पी आई कैप आर कॉमा 0 कॉमा 0 तो अगर हमने अपना कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लिया तो लेट्स से मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूं अच्छा कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई तो इसमें एक डाइपोल

रूट थ्री आर बाई टू कॉमन जीरो पॉइंट है और वो कहां पे है तो आर बाई टू है और ये तो ये कुछ ऐसा है, वाले पे, यहां पे है। इस को मैं P तो P वाला यहां पे है। और वो अगर देखोगे तो चूंकि रूट थ्री आर बाई टू है तो उसमें ये आ जाएगा कि इसका कॉर्डेंट क्या है मैं अगर मान लो सिर्फ दो ही चलो तीनों कॉर्डेंट लिख देते हैं आर बाई टू रूट थ्री आर बाई टू ये एक्स वाई हो गया और जेड कॉर्डेंट तो जीरो है तो इसका अगर डिस्टेंस देखोगे तो डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो इसमें ये डिस्टेंस डिस्टेंस है यहां से यहां है से तक का जो दिस तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा ये वाला एंगल हो जाएगा सिक्सटी डिग्री बिकॉज आर ये कॉस सिक्सटी डिग्री देखोगे तो आ रहा है theta, अगर इसको लिया, तो कॉसा इज वन बाई टू

Between line, joining the point to dipole, with the direction of dipole, with the direction of dipole, ye important hai direction of dipole, dipole ke direction se जैसे मैं agar maan lo main left पर, जो origin पे रखा हुआ dipole, उसके कारण अगर angle देखूँगा, तो dipole ऊपर y-axis की तरफ point कर रहा है, तो ये वाला angle use होगा, और ये वाला angle कितना है? तो ये वाला angle है 30 degree. दूसरा वाला जो डाइपोल है जो आर कॉमन जीरो जीरो पे रखा हुआ तो उसके लिए चूंकि वो लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है तो उसका डायरेक्शन लेफ्ट है तो फिर ये वाला एंगल एंगल यूज होगा एंड दिस इज डिग्री ऐसा बनेगा और फिर जाके हमारा दोनों ऐड कर देंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट तो पी ही है तो ऑरिजिन वाले के कारण हो जाएगा केपी कॉस थर्टी डिग्री आएगा अपॉन आर स्को डिस्टेंस तो आ रही है और प्लस दूसरा हो जाएगा केपी कॉस सिक्सटी डिग्री

8 ठीक है? तो इसमें ध्यान रखना है इस चीज का कि हम में में जो थीटा लेते हैं, वो डाइपोल जिस पॉइंट कर रहा है उस डायरेक्शन से फिर हम थीटा एंगल पे जाके लेते हैं चलो फॉर पॉइंट वैल्यू ऑफ आर पावर डेवलप्ड अक्रॉस सिक्स वोल्ट सिक्स ओम ये सिक्स ओम वाले में और आर में हमें पावर इक्वेट करना है इसमें और इसमें हमें पावर इक्वेट करना है तो इसमें अगर हमने मान लिया कि करंट आई एंटर कर रहा है सर्किट में यहां पे करंट अगर आई है तो फिर नीचे वाले में जो करंट जाएगा वो कुछ दूसरा करंट जाएगा से इसको मैं आई वन आई टू कैसे आता है तो वो इनवर्स रेशियो में डिवाइड हो जाता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे मान लो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे जो दोनों पॉइंट्स मैंने भी बनाया से देखोगे तो वो आएगा ट्वेंटी फोर इन 24 into i1 और नीचे और आंसर से देखोगे तो आ जाएगा r into i2 यानी कि i1 upon i2 ये बनेगा हमारे पास r upon 24 तो ये इनवर्स रेशियो में करंट्स डिवाइड होता है तो फिर i2 को लिखना है i2 और एक इक्वेशन ही बना लोगे एक इक्वेशन बना, लो, बना लोगे हमारे पास कि इसी में अगर मैंने एक इक्वेशन बनाया कि i1 plus i2 is equals to i अब हमें I2 निकालना है, I2 से से में होगा, तो 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 को रिप्लेस कर देंगे, तो I1 है हमारे पास R upon 24 और प्लस तो यहां से I2 आ जाएगा ये ये भी लिख सकते हो, जो मैंने इतना करके लिखा डायरेक्टली सो सकते हो कि इनवर्स रेशियो में डिसाइड हो रहा है तो फिर आई वन अगर निकालना है आई टू निकालना आई टू निकालना है तो ऊपर में

ट्वेंटी फोर और इनटू आई ये आई वन होगा तो 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 कर तो में करेंट आई फ्लो कर रहा है तो वो जाएगा आई स्क्वायर इंटू सिक्स और ट्वेंटी फोर वाले में ये आई वन फ्लो कर रहा है तो आई वन है हमारे पस, आगा तो आगा पास आर अपॉन आर प्लस ट्वेंटी फोर इन आई का स्क्वायर और इनटू 24 इनटू 24, 24 ये करना है ठीक है ये बन जाएगा अब इसको सॉल्व हो क्या आ जाएगा जैसे सॉल्व वगैरह कर करें तो i स्क्वायर वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा तो ऐसा हम करते हैं कि 6 से ये 24 कैंसिल होके 4 बन जाएगा और ये i स्क्वायर से ये i स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और रूट ले लेते हैं तो यहां से आ जाएगा आर अपॉन ट्वेंटी फोर अपॉन आर और इज इक्व टू रूट फोर हो जाएगा ये टू बन जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा R 24 R, तो R की वैल्यू आ जाएगी ट्वेंटी की ट्वेंटी फोर हो जाएगी तो इसमें ऑप्शन देखो सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ठीक है ऐसे करना है हमें क्वेश्चन नंबर थर्टीन

Each other, तो force का अब और चुकी आइडेंटिकल स्मॉल स्क्वायर है तो आइडेंटिकल है तब तो अगर हम कनेक्ट जैसे ही करेंगे बिफोर ये बिफोर कनेक्टिंग आफ्टर कनेक्टिंग तो आफ्टर कनेक्टिंग तो, तो दोनों पे चार्जेस बराबर हो जाएगा क्यू वन इक्वल टू क्यू टू हो जाएगा और कितना हो जाएगा

तो अब हमें निकालना है रेशियो ऑफ चार्जेस निकालना रेशियो ऑफ चार्जेस रेशियो ऑफ चार्जेस तो फिर उसके लिए हम एफ को ऊपर वाले इक्वेशन से नीचे ले आते हैं तो एफ है हमारे पास के क्यू क्यू अपॉन वन था और यहाँ पे वन बाई थ्री था तो ये थ्री बन जाएगा के है और क्यू माइनस क्यू का स्क्वायर और अपॉन फोर है तो ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमें अगर रेशियो लेना है तो ऐसा करते हैं कि चलो इधर फोर क्यू इंटू क्यू कर लिया और इधर अगर करेंगे तो ये थ्री टाइम्स और क्यू स्क्वा और माइनस ऑफ टू क्यू इंटू क्यू ऐसा आ जाएगा सेपरेशन तो सेपरेशन पे तो कुछ कमेंट नहीं कर रखा है हाँ सेपरेशन तो वही रहेगा पहले पहलेट्रैक्ट कर रहे थे कर कर सेपरेशन तो 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 वही है। है, है? फाइनली हो गया, हमने ये ये कर लिया। तो अब ये यूज़ लिया। अब निकालना है, तो क्या बन रहा प्लस थ्री स्मॉल क्यू स्क्वायर और माइनस सिक्स और माइनस फोर और अगर आ जाएगा तो माइनस वहां पे दिख रहा है फोर और चला जाए तो माइनस ऑफ टेन क्यू इंटू क्यूज टू जीरो हमने अगर इसको डिवाइड कर दिया अपॉन स्क्वायर आप ऑन क्यू डिवाइड कर देते हैं स्मॉल क्यू से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा थ्री इंटू क्यू बाई क्यू का स्क्वायर बन जाएगा और प्लस थ्री इंटू ये, ये तो वन बन जाएगा स्मॉल क्यू से डिवाइड कर रहे हैं स्मॉल क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं और माइनस टेन इंटू

थ्री यान बाई थ्री थ्री बाई थ्री तो इसमें कोई भी भी दोनों में से जो एक ऑप्शन है वो टिक कर लेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं हमने काफी तो जैसे सबसे सिंपल तरीका इसमें क्या दिख रहा है ना हमें करेंट बताने आई वन तो करंट इस थर्टी ओम में जो जा रहा है इस ये वाला करंट बताए तो ये करंट बताने के लिए तो तुम नीचे वाले दोनों ब्रांचेस को बैटरीज की तरह सोच लो कि ये फोर्टी वोल्ट और ये 40 को इसका सोच लो नीचे वाले 40 को इसका का कॉम्बिनेशन लगा लो क्योंकि में तो ये सबसे आसान हो जाएगा तो सेल्स कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा Equalant. तो इक्विवेलेंट हो जाएगा एक है फोर्टी और एक है एटी तो लेट्स अगर मैं फोर्टी वाले को पॉजिटिव मान लो तो E1 वन बाई और फिर एटी अपोजिट पोलैरिटी का है तो माइनस ऑफ अपॉन R2 E1 ई वन बाई आर वन प्लस होता है जहां पे E2 टू चुके अपोजिट पोलैरिटी का है तो माइनस लिख लिया अपॉन वन बाई आर वन प्लस वन बाई ये बन जाएगा ई इक्वल और ये कितना आ जाएगा वन माइनस टू अपॉन नीचे में वन बाई ट्वेंटी तो आ जाएगा माइनस ऑफ ट्वेंटी माइनस ऑफ ट्वेंटी आ गया इक्वल माइनस ऑफ ट्वेंटी वोल्ट्स माइनस का मतलब पोलैरिटी ऐसा बन जाएगा कि अगर मैं इन को यूज़ करके एक्सेल तो हमने 40 वाले को आरिकोलेंट कितना होगा तो आरिकोलेंट तो दिख रहा है कि नीचे वाला जो टर्म था वन बाई फोर्टी प्लस वन बाई फोर्टी वो बेसिकली वन आर आरेंट था तो ये आरिकोलेंट आ जाएगा हमारे पास ट्वेंटी ट्वेंटी ये एक बैटरी हो गया ट्वेंटी वोल्ट और ट्वेंटी ओम का

बट यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करेंट ऊपर दिखा रखा है तो फिर नेगेटिव हो जाएगा कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा के तुमसे अगर वैल्यू पूछा गया है तो जो डायरेक्शन दिखा रखा है अगर इसी डायरेक्शन में फाइनल करंट आए तो तुम पॉजिटिव उसको बताओगे बट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गया तो नेगेटिव बताओगे तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में आ गया इसलिए नेगेटिव हो जाएगा तो इसका आंसर ए नहीं होगा बी होगा इसको सही करने हमें बी हो जाएगा इसका आंसर बी ठीक है और भी तरीके हो सकते हैं केवीएल केसीएल से भी कर लोगे बट आंसर तो सेम ही आएगा और चूंकि

तो इसमें बेसिकली ये है कि ए और सी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है नल पॉइंट का मतलब ये कि इसमें करंट जीरो है। तो अगर मान ले के बराबर है और वी ए माइनस वीवी कितना होगा माइनस वीसी तो उसके लिए अगर इस सर्किट में अगर देखोगे तो टोटल चूंकि दस वोल्ट है बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा नहीं रखा है तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा

माइनस आई डैश आई डैश कितना होता है इस सर्किट में जो देखोगे लूप जो बन रहा है उस लूप में ईएमएफ एम ई है तो ईएमएफ की चलो वैल्यू भी है डाल ही देते हैं ईएमएफ नीचे वाले बैटरी का दे रखा है फाइव है तो ये आ जाएगा फाइव और माइनस आई डैश हो जाएगा फाइव अपॉन कैपिटल और इन टू ये आ जाएगा ठीक तो है तो फोर को इधर ले आए तो वन इज इक्वल्स टू आर प्लस वन आर प्लस टू फाइव तो जो अननोन रेजिस्टेंस बताना था हो जाएगा, four. Four. बन जाएगा आंसर तो हमारे पास डी में लिख गया तो पोटेंशियोमीटर का यूज करके हमने अननोन रेजिस्टेंस तो अब का जनरली यूज करने के लिए निकालते हैं बट यहां पे कुछ और पूछ दिया गया तो सेटअप अगर याद है तो पॉइंट जैसे ही आता है वैसे ऊपर वाला सर्किट और नीचे वाला सर्किट इंडिपेंडेंट हो जाता है तो फिर ऊपर वाले सर्किट को यूज करके हमने A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया और वही पोटेंशियल डिफरेंस फिर पी और Q के बीच में होगा बिकॉज गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है और पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए नीचे वाले सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा था उसके कारण से बैटरी सोर्स की तरह काम कर रहा था तो हमने ई माइनस आई आर कर लिया तो सेटअप पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर हाँ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसको देखते हैं तो रखा है कि स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है

रेडियस बोल रखा है कि रेडियस जो है वो कॉन्स्टेंट है constant है। यानि कि सेम डेल्टा आर डेल्टा वी सेम फोर इज सेम सेम यानी कि अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो अगर डेल्टा वी सेम फोर डेल्टा आर है तो डेल्टा वी बाई डेल्टा आर ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है

और फाइव वन को हम क्या बोल सकते हैं फाइव वन हो जाएगा क्यू इंक्लोज क्यू इंक्लोज क्या चलो क्यू इंक्लोज वन सर्फेस से क्यू इंक्लोज अपॉन एप्साइल नोट और फाइव टू जो होगा वो जाएगा क्यू इंक्लोज टू अपॉन एपसाइल नॉट तो अगर मैंने फ्लक्स का डिफरेंस लिया फाइव टू माइनस फाइव वन किया फाइव टू माइनस फाइव वन तो ये क्या हो जाएगा कि बाहर वाले सर्फेस में जो क्यू इनक्लोज है और माइनस अंदर वाले सर्फेस में जो क्यू इनक्लोज है वो हो जाएगा यानी कि वो ये वाला हो जाएगा ये वाला हो जाएगा तो मैं इस शेडेड रीजन पे चार्ज को अगर मैं dq बोल रहा हूँ स्मॉल स्मॉल वॉल्यूम वॉल्यू तो dq बोल रहा हूँ तो ये आ जाएगा चलो इसको अभी मैं ये लिख ले रहा हूँ दिस इज q इनक्लोज इन रीजन टू माइनस q इंक्लोज इन रीजन वन और अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो ये आ जाएगा dq अपॉन एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन एप्सिलॉन नॉट

और यहाँ पे आर प्लस डी आर स्क्वायर का अगर हमने एक्सपेंशन किया और डी आर स्क्वायर वाला टर्म नेग्लेक्ट कर दिया तो ये आ जाएगा स्क्वायर चलो अभी मैं लिख देता हूँ डी आर का स्क्वायर एक ही वाला टर्म होगा और माइनस आर स्क्वायर यहाँ पे डीक्यू क्या है तो डीक्यू को अगर मैं रो के टर्म से लिखूं डीक्यू की मान लो अगर यहाँ पे डेंसिटी रो है रो के बारे में ही पूछा गया ना तो डीक्यू को रो के टर्म से लिख सकता हूँ रो इन टू इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका वॉल्यूम हो जाएगा फोर पाई आर स्क्वायर डी आर तो ये मैं डीक्यू को लिख सकता हूँ फोर तो पाई आर स्क्वायर डी आर

तो यहां से अगर देखो तो ये DR वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा ये 4 पाई वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा R से एक R कैंसिल हो जाएगा तो यहां आ जाएगा रो बताना है तो इधर है हमारे पास 2e और अपॉन R आ जाएगा और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू रो कुछ ऐसा बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट था तो यहां से आ रहा है रो इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R रो इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R आ रहा है ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे इसको या फिर अगर तुम्हें याद है तो ये हमने क्लास में भी किया था ना कि एक एक मॉडल uh, का एक एक सब्जेक्टिव एग्जांपल था 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 कि एक स्वेर, स्वेर पे चार्ज था, और उसके बाद हमने वाला one, जो था, वो r के प्रोपोर्शनल था और फिर हमें एक कंडीशन बताया था कि अंदर में चार्ज कितना हो कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ वेरी ना करे तो वही वाला केस है इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ नहीं वेरी करने के लिए जो अंदर वाला स्वेयर था उसके बाहर में जो चार्जेस था वो वन बाय आर के प्रोपोर्शनल था तो यहाँ पे भी वही आ गया वन बायर के प्रोपोशनल अच्छा इसको ऐसे भी थोड़ा सिंपलीफाइड अगर कैलकुलेशन करना चाहें तो सीधा ये भी कर सकते हैं कि मान लो अगर मैंने ये बोला कि फ्लक्स थ्रू स्फ़ेरिकल सर्फेस अगर फ्लक्स लेंगे तो फ्लक्स हो जाएगा क्यू इनक्लोज तो क्यू इनक्लोज अगर मैंने क्यू ले लिया लेट से इसको स्मॉल में ले हूं तो, क्यू इंक्लोज इसको एक डिफरेंशियल फॉर्म में क्यू इंक्लोज अपॉन एपसाइलॉट ये हमने बोल दिया तो अगर बोला है कि हमने थोड़ा आर बढ़ा दिया आर बढ़ा दिया रेडियस बढ़ जाएगा तो सर्फेस थोड़ा और चार्ज इंक्लूज कर लिया जाएगा और वो और जो चार्ज इंक्लूज हो जाएगा उसके कारण कितना हो जाएगा तो आ जाएगा डीक्यू अपॉन और कैसे लिखेंगे तो फ्लक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन देखेंगे तो होगा इंटू फोर पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और फिर यहां से अगर डी फाइ डी अपॉन डी आर डी फाइ ऑपॉन डी आर मो देखो डीफाई तो ये कितना बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो फील्डेंट है तो इन टू फोर फाइ बा आ जाएगा और आर स्क्वायर का हो जाएगा टूर डी आर तो डायरेक्टली यहां पे डिफाई हम ऐसे लिख सकते हैं डिफाइज फोर पाई और वहां पे टू आर डी आर सॉरी यहां पे मैंने इसमें अगर डेरिवेटिव ले हैं, तो इसमें डी नहीं होगा अगर हमने डिफाई बाई डी कर दिया यहां पर बट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी आ जाएगा तो ये आगे ई इंटू फोर पाई और इंटू टू आर डी आर आगे टू डी को हम रो इंटू फोर पाई आर स्क्वायर डी ये रो इन टू वॉल्यूम लिख रहे हैं और अपॉन एफ सेलन तो डायरेक्टली जो हम फाइव टू माइनस और q2 टू माइनस करके सोच रहे थे वो फाइव टू माइनस को हमने डी के टर्म से लिख लिया कि रेडियस अगर चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा और dr आर रेडियस चेंज करने से फ्लक्स कितना चेंज होगा तो उसके लिए हमने फाइव का r के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लिया तो भी कर सकते हैं तो फाइव का r के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया वहां से डी आ गया और डी को dq क्यू अपॉन एफ सेलन कर दिया और डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि आर बढ़ा आर अगर हम बढ़े

ए बी सी पे हमें पोटेंशियल दे रखा है तो डी पे पोटेंशियल पता करने के लिए तो इसको भी मान लेंगे और फिर हम यहाँ पे केसी लगा लेंगे तो केसीएल क्या बनेगा बाहर जाने वाले करंट का समेशन जीरो तो जो लेफ्ट में करंट जाएगा वो बन जाएगा वी माइनस सेवेंटी अपॉन टेन प्लस जो बी की तरफ जाएगा वो बन जाएगा वी माइनस जीरो और प्लस जो सी की तरफ जाएगा वो आ जाएगा वी माइनस टेन अपॉन ये बन जाएगा तो इसमें लिया तो तो से, से से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर तो बेसिकली तो हम तो क्या बन रहा सिक्स वी और प्लस टू वी थ्री वी प्लस टू वी ये एक साथ आ गया इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा ट्वेंटी तो तो और प्लस सेवन इंटू सिक्स ऐसा और यहाँ पे आ रहा है, 11 आ रहा है ना, 11 v. तो 11 v आ रहा है है ना तो ये तो था ऑप्शन तो सही दिख गया अच्छा ये वी जैसे तो करंट तो इस वाले में कितना ये सेवेंटी और ये फोर्टी है तो यहाँ पे करंट चला जाएगा थर्टी अपॉन टेन तो ये आ जाएगा थर्टी अपॉन टेन तो थ्री आ जाएगा ऊपर वाले ब्रांच में देख रहे हैं तो ये फोर्टी है और जीरो है यानी डिफरेंस है यहाँ पे दो एम्पियर करंट हो जाएगा और नीचे वाले ब्रांच में 40 और 10 है तो यहाँ पे 1 एम्पियर करंट हो जाएगा 30 अपॉन 30 पोटेंशियल फ्रेंस 30 और रेजिस्टेंस भी 30 है तो 1 एम्पियर तो इसमें फिर एक ये ऑप्शन पूछा गया है इसमें कि द करेंट इन द सेक्शन किस रेशियो में और सेक्शन देखो ए डी और डी और डी तो ये सही क्या है ये थ्री इज टू टू इज टू वन ये वाला ऑप्शन सही दिख रहा है तो 17 का एक ये हो जाएगा बी बी है तो फिर डी तो नेटवर्क टोटल पावर टोटल पावर निकालना है। अच्छी इस बार कुछ ऐसा R वाला कुछ नहीं टेन तो 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 वाले में कितना होगा तो आई स्क्का नाइन तो नाइन इंटू टेन नाइन इंटू टेन प्लस ट्वेंटी वाले में करंट है टू तो टू स्क्वायर हो जाएगा फोर और इंटू ट्वेंटी और प्लस थर्टी वाले में वन है तो वन इंटू थर्टी देखो एटी तो और, और तो तो पावर के बारे में टोटल नेटवर्क ये कितना पावर ड्रॉ करेगा तो दैट इज टू हंड्रेड वॉट तो इस नेटवर्क में तीन रजिस्टर्स थे उन तीनों में पावर बताना था इसमें कुछ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं यूज आर इक्विवेलेंट कुछ ऐसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे यहाँ पे

जो भी रेंज होता है उतना अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट फ्लो करना चाहिए और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट है कितना है इसका तो इसका फिफ्टी माइक्रो एम्पियर्स माइक्रो एम्पियर्स तो अगर हम ए ऑप्शन देखें ए ऑप्शन तो ए ऑप्शन ने बोल रखा है कि फिफ्टी वोल्ट रेंज है तो उसके लिए ये वाला आर कितना होगा तो 50 वोल्ट रेंज का मतलब ये कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम 50 अप्लाई करेंगे तो इसमें करंट 50 माइक्रो एम्पियस फ्लो करना चाहिए तो 50 टू माइनस सिक्स हो जाएगा ये करंट फ्लो करना चाहिए और रेजिस्टेंस कितना है तो 100 है गैल्वेनोमीटर का और प्लस आर ये हमें पता करना है तो ये तो कितना आएगा? ये तो आ रहा है टेन टू दावर सिक्स माइनस हंड्रेड आ रहा है एंड दैट इज टू ये आ रहा है ठीक है तो ये वाला तो ऑप्शन ए में सही नहीं दिख रहा है ए में तो दस किलो में दिख रहा है तो वो तो नहीं है बी वाले ऑप्शन में देखे अगर टेन तो टेन वोल्ड के लिए फिर से ही करेंगे टेन वोल्ड इज इक्वेस्ट टू फिर से फुल स्केल डिफ्लेक्शन रेंज का मतलब ये कि रेंज का मतलब कि जो रेंज पोटेंशियल डिफरेंस का चाहिए उतने रेंज में फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिलना चाहिए और फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए गैल्वेनोमीटर में करंट उसका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला करंट है वो फ्लो करना चाहिए तो फिफ्टीन टू 10 टू -6 और 100 प्लस r तो ये क्या बन रहा है ये बन रहा है 10 टू द पावर अपॉन 5 और -100 ये आ रहा है r के बराबर ठीक है अब यहां से अच्छा अगर हम लेट से वोल्ट मीटर का ही रेजिस्टेंस बताना है यहां पे बोल रखा है कि 100 वोल्ट रेजिस्टेंस विथ 100 रेजिस्टेंस इन सीरीज तो लगभग एक रफ कैलकुलेशन अगर करना है हमें रफ कैलकुलेशन तो यहां पे ये क्या बन रहा है ये ये बेसिकली ये जो इसको मैं क्या लिख सकता हूं किलो करना है अगर तो 100

ये ऊपर से आ गया और आर, आर कितना है है हंड्रेड ओमरे ऊपर वायरा से हो गया नीचे रास्ते से क्या हो जाएगा तो आई माइनस फिफ्टी इन टू टेन टू तो पावर माइनस सिक्स और इंटू आर ये है। ठीक है और अब हमें अलग अलग रेंज बताना है।, तो है तो सी ऑप्शन है। है तो अच्छा, देखते हैं, तो ऑप्शन में रेंज बोल रखा है तो रफली तो मैं ये कर देता हूं तो फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री है और दिस इज रफली इक्वल टू मैं यहां पे i माइनस उसको i ही लिख देता हूं बिकॉज i बोल रखा है फाइव मिलियन है

लेफ्ट में तो ये माइनस ये थ्री है राइट right में ये, 5 के 10 करना है, तो 10 10 ये दूसरा वाला फिर गलत है this is incorrect. तो इसमें ऐसे तो हर ऑप्शन सॉल्व करने करना पड़ा बट टाइम सफिशियंट था तीन मिनट जल्दी जल्दी जल कैलकुलेशन किया होगा तो ये ठीक हो गया होगा

तो तो ये चीज तो काफी हमने क्लास में भी किया था फिर छोटे भैया ने भी इसको कराया था रिविजन करते समय काफी स्ट्रेस दिया था इस पे सेंटर पे नहीं रखा ये चार्ज और कुछ और नहीं बोल रखा है तो यहाँ पे जैसे बोल रखा है तो न्यूट्रल दैट मीनस ओवरऑल कंडक्टर पे कोई चार्ज नहीं तो यहाँ पे अगर हमने चार्ज अंदर में क्यों रखा है मान लो यहाँ पे हमने पॉइंट लिया सेंटर नहीं यहाँ पे क्यों रखा है तो कैविटी सर्फेस पे आ जाएगा माइनस क्यू और बाहर वाले सर्फेस पे क्यू आ जाएगा ये होगा अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा तो इसमें क्या डिसाइड होता है कि अंदर कैविटी के अंदर जो चार्ज है उसका फील्ड बाहर नहीं जाना चाहिए तो उसके लिए चूंकि ये क्यू जो है जो हमने रखा है वो सेंटर पे नहीं रखा है सेंटर कहीं और था और हमने चार्ज कहीं और रखा है इस कारण से अंदर में जो माइनस क्यू डिस्ट्रीब्यूट होगा ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और बाहर में जो क्यू है इसका अकेला फील्ड बाहर वाले सर्फिस के अंदर नहीं आना चाहिए ये रूल होता था ना कि कैविटी के अंदर वाला चार्ज और कैविटी सर्फिस का मिला के चार्ज का फील्ड बाहर नहीं जाना चाहिए कैविटी सर्फेस से और बाहर वाले सरफेस पे जो चार्ज होता है उसका फील्ड अंदर नहीं आना चाहिए बाहर वाले सरफेस के तो उसके लिए ये वाला क्यू जो होगा ये यूनिफॉर्म होगा अब पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर पूछा है गया है पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर तो पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर के लिए क्या करेंगे तो ये जो अंदर वाले जो दो चार्जेस हैं ये क्यू और ये माइनस तो इनका इनके कारण तो

ड्यू टू आउटर सर्फिस वी ड्यू टू आउटर सर्फिस चार्ज तो वो कितना हो जाएगा तो so, वो तो यूनिफॉर्म है तो केक्यू बाई कैपिटल आर हो जाएगा ठीक है तो <coughs> कंडक्टर so, का पोटेंशियल ये दिसेंशियल ऑफ द कंडक्टर कंडक्टर के सेंटर पोटेंशियल निकाल लिया और ये सिर्फ बाहर वाले चार्ज के कारण है तो so, अब ऑप्शन देखो ऑप्शन कौन कौन सा सही है तो उससे पहला ऑप्शन देखो पहला ऑप्शन बट नॉट जीरो तो ये गलत है क्योंकि क्यू अगर सेंटर पे भी रखोगे तो भी इस इफेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर अंदर में जो क्यू है और माइनस क्यू है वो अंदर वाला क्यू कहीं भी रखा उनका कंबाइंड फील्ड और पोटेंशियल बाहर में जीरो होगा तो पोटेंशियल सिर्फ आउटर सरफेस वाले चार्ज के कारण ही आएगा और उसके कारण तो पोटेंशियल के क्यू बाई आ रही रहेगा तो फिर वाला ऑप्शन गलत है पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर ये लिखा गया तो ये तो गलत है ये तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में से कोई एक ही सही हुआ तो ये ऑप्शन सही था तो सी गलत हो गया इफ अ पॉइंट चार्ज प्लेस इन कैविटी बट नॉट एट देंटर ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू चार्जेस ऑन द आउटर सर्फेस तो ये ठीक है कि जो भी पोटेंशियल सिर्फ आउटर सर्फेस वाले चार्ज के कारण ही आ रहा है अंदर में जो चार्ज रखा कैविटी के अंदर और कैविटी सर्फेस पे जो चार्ज आया उनका मिला के फील्ड और पोटेंशियल दोनों ही कैविटी के बाहर जीरो है

से हमें फ्लक्स निकालना है ड्यू टू चार्ज प्लेस ऑन द एक्सेस यहाँ पे चार्ज क्यू रखा हुआ है तो इसके लिए या तो फॉर्मुला याद है अगर वो यूज कर लो या फिर सोल्ड एंगल वाला कर लेंगे तो कितना होता था सॉल्ड एंगल वाला कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते था? अगर इसे है, डिस्क. तो इसके लिए इस चार्ज से टोटल जो फ्लक्स निकलता है वो निकलता है क्यू अपॉन एपसाइल और ये फिर हम पर यूनिट सॉलिड एंगल डिफाइन करने के लिए वन अपन फोर पाई कर लेते हैं और कितने सॉल्ड एंगल से चाहिए हमें तो अगर ये वाला एंगल दिया तो इस्डिंग

तो एक एक सरफेस से एक एक सर्कुलर सरफेस से तो पहले ऑप्शन में था कि एक सर्कुलर सर्फेस से क्यू बाई टू है। ये तो गलत है कितना आया? तो कर् सर्फेस से कितना होगा तो हमने इसको तीन सर्फेस बोल दिया लेफ्ट वाले को वन बोल दिया राइट right वाले को टू बोल दिया और कर्व सर्फेस को थ्री बोल दिया तो तीनों सर्फेस का मिला के फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री ये मिला के तो चार्ज इंक्लोज हो गया सिंडिकल सर्फिस और दोनों तरफ कैप लगा हुआ है तो चार्ज इंक्लोज हो गया तो फाइव टू तो बराबर ही है।, क्योंकि लोकेशन, है तो दोनों के कारण सेम ही हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5, 1, 1, एक अगर है क्यू बाई टेन नॉट तो दोनों वही हो जाएगा क्यू बाई टेन एफन नॉट प्लस क्यू बाई टेन एफ नॉट और प्लस टू क्यू बाई एप नॉट

सबने तैयारी अच्छे से की होगी तो उनके रिजल्ट फिर क्विज़ में अच्छे आए होंगे मार्क्स अच्छा आया अच्छा होगा ओके थैंक यू थैंक यू